वहीं सही था, बस ऐसा हुआ कि नेपाल आ गए हम ना। ये आ गए हम नेपाल के पार, कैसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में जाए। इंडिया और नेपाल की करेंसी में कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो ये देख सकते हो ये मेरे फ़ोन की हालत हो रखी है, मतलब पूरा फ़ोन ना ऑन हो रहा है, देख सकते। पहली बार हमने नेपाल से भरवाया पेट्रोल, देखते हैं कितना मुझे कड़ी से कड़ी सुरक्षा करनी होगी, यहाँ चेक नहीं करना था। तो दोस्तों यहाँ से ना नदी को हर हिस्सों में बांट रखा है, जो हमारी हम लोग शॉपिंग के लिए आए थे कहाँ यहाँ पहुँच गए हैं मेले में। खटी मामा हमें कुछ कपड़े। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अभी हो रखे हैं सुबह के 8:30, मैं जा रही हूँ दूध पहुँचाने एंड मेरे व्लॉग ना अब नहीं आ पाएंगे, जब तक इसमें स्पेस है तब तक बनाती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ना ख़राब हो गया, उसकी पूरी स्क्रीन वगैरह टूट गई है, बहुत बुरी हाल हो रखे है मेरे फ़ोन के। चलो फिर दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ सुबह के 9:30 से। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल निर्मला नेगी व्लॉग पर। अभी मैं जा रही हूँ आज लॉन्ग टूर में, मैं और मेरे भाई, मैं दूध पहुँचाने से आ गई हूँ, भैया अभी थोड़े आगे को चले गए हैं झड़पत्या साइड को। तो चलते हैं फिर और आज का टूर दिखाते हैं, आज हम बहुत लंबे टूर पर जाने वाले हैं। तो ये देख सकते हो ये मेरे फ़ोन की हालत हो रखी है, मतलब पूरा फ़ोन ना ऑन हो रहा है, देख सकते हो इस प्रकार से हो गई है मेरी फ़ोन की कंडीशन। अच्छा खासा फ़ोन था मेरा जिससे मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करती थी, अब तो कुछ एडिटिंग भी नहीं हो पाएगी मुझे। फेमस जगह है जो स्वाला है और फेमस रास्ता यहाँ का यही है, अब पता नहीं खुलती है या नहीं खुलती। अभी पर ऊपर से इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं ना, सब लोग पत्थर ही को वो देखो वहाँ से वीडियो, सब वीडियो ही बना रहे हैं भाई। ये घर का केला खा रहे हैं पप्पा, पता नहीं अब यहाँ में 1-1.5 घंटा यहीं, ये थोड़ी देर तो रुक जाता है जान दे। मैं तो मर गई, धक 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 हो गई, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, पूरे जाम लगे हुए हैं, तो पूरा जाम। बहुत बड़ा भगवती माता का मंदिर है क्या, और यहाँ पर सभी जितने भी श्रद्धालु आ रखे हैं सब रुके हुए हैं, देखो तो दोस्तों यहाँ पर प्रसाद वितरित किया जा रहा है, हलवा पूरी चाय और केले यहाँ पर सभी लोग वितरित कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर प्रसाद वगैरह लेते हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं, चलते से अभी पीछे पीछे ही है, यहाँ पर फिर से जाम लग गया है मेरे पीछे, देखो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, यहाँ तो गर्मी से भी हालत ख़राब हो रही है। मेरी दुकान का नाम ले बताना, मेरे गाल जल रहे हैं, पता नहीं कितना जाम लगता है। सफ़र अभी आधा हो चुका है, आधा और जाना है हम लोगों ने। तो हम दोनों यहाँ से व्यू देख रहे हैं, चलती की नदी है नीचे और हम पार साइड जाना है, नीचे है सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट नहीं रोड़ी रेता वगैरह यहाँ पर बनता है, और पीछे पूरा जाम लग चुका है, उधर रोड साफ हो गया देखो, और रोड खुल चुकी है हमारी, अभी रुकना तो कहीं, रोड तो खुल गई लेकिन रोड खुलने के बाद हमारे लिए बैड न्यूज है कि उधर से गाड़ियाँ निकालने दे रहे हैं, अब नहीं है ना है? चलती यहाँ पर है चलती स्कूल, इधर स्कूल तो पुराना है, इस वाले पुल से मैं आज इस बार पिछली पहली बार जा रही हूँ, ये है नया पुल, नहीं तो चलते हैं। और जब हम लोग पहुँचे सिन्याड़ी, यहाँ पर ना हमारे पूरे चंपावत का ना फेमस जो अचार होता है वो यहीं मिलता है, अभी यहाँ पर हम थोड़ा पेट पूजा करते हैं।
तो गाइस अभी एक बज चुका है, हमारी होती है हालत खराब और अभी ना हम चना रह कर दोस्तों अभी हमारा 100 किलोमीटर का सफर होने वाला है। यहाँ पर दिख गया हाथी हमें उधर साइड, तो ये देख सकते हो हाथी। तो यहाँ पर इतनी भीड़ लगी है हाथी देखने के लिए, तो लाइफ में पहली बार यहाँ पहुँचते पहुँचते हाथी के गणपति बाबा के दर्शन। इस प्लेन से एरिया में पहुँचते ही ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी है, हम लोगों ने अपनी अपनी स्वेटर खोल ली, इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पर। और अब यहाँ से हमारा आगे का सफ़र शुरू होता है। अभी हम पूर्णागिरी वाली रोड पे गए थे यहाँ, लेकिन पूर्णागिरी यहाँ से बहुत दूर है, अभी निकला हुआ नहीं होगा मंदिर का, तो हम थोड़े आगे आए वापस से रिटर्न टनकपुर की ओर चले गए हैं। वापस से हमें पूर्णागिरी वाली रोड में जाना है क्योंकि वहाँ पर है RTO ऑफिस। सो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं RTO ऑफिस। यहाँ वहाँ मैं 2019 में आई थी, उस टाइम अलग साइड था, यहाँ पर हमने धन्नो कर दी है पार्क वाला। ये देख सकते हो चंपा जिले का RTO ऑफिस। तो गाइस यहाँ पर इतनी गर्मी से मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है, मतलब इतनी मंद वाली धूप लग रही है, उमस वाली गर्मी हो रही है, इसलिए मेरे को ना प्लेन से पसंद नहीं आता। छाया की जगह भी खड़ी हो रही हो ना, वहाँ भी उमस ही हो रही है। RTO ऑफिस में भैया अपना काम करवा रहा है, स्कूटी का कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेने थे। यहाँ पर धीरे धीरे बिल्डिंग बन रही है भैया। सेंटर के शोरूम में यहाँ पर अपना फोन सही कराते हैं और मेरी हालत ख़राब हो गई इस नंबर से। तो गाइस यहाँ पर आ गए खटीमा आके, थोड़ा हमें गर्मी से भी राहत मिलेगी, तो यहाँ पर ना नारियल पानी पियेंगे हम लोग और उसके बाद जाने वाले हैं हम नेपाल। हेलमेट खोले भाई मार। काली नदी जो टनकपुर में शारदा नदी, यहाँ पुलिस चौकी है। नेपाल लग गए हुआ है जो जाएंगे तब होगा ना। वेलकम टू नेपाल दोस्तों, आज हम विदेश यात्रा में पहुंचने वाले हैं, देख सकते हो। धन्यवाद तुम्हें पधारने के लिए। बोला कहां पधारे, इंडिया और नेपाल गाइस, दो दो झंडे एक जगह गाइस, ये इंडिया वो नेपाल, ये इंडिया वो नेपाल, देख सकते हो गाइस, इंडिया वो नेपाल।
तो मिल गए हैं। वेलकम टू नेपाल। नेपाल नेपाल से अभी हम नेपाल की कुछ लोकल मार्केट में हैं। देखिए यहाँ पर नेपाल की गाड़ियाँ और नेपाल के नंबर प्लेट पर यानी कुछ अजीब व गरीब है, देख सकते हो। ओए नेपाल की गाड़ी, नेपाल का पेट्रोल पंप ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो गए। यहाँ का पेट्रोल मैंने ध्यान से दिया ना, पहली बार हमने नेपाल से भरवाया पेट्रोल, देखते कितना है। यहाँ 97, वहाँ कितना है, हैं क्या यहाँ। पहुँच गए नेपाल के महेंद्र नगर। यहाँ पर गन्ने का जूस पे इंडिया और नेपाल की करेंसी में कंफ्यूजन हो जा रहे हैं। इंडिया और नेपाल की करेंसी में यहाँ पर आंटी जी बना रही है गन्ने का जूस, थोड़ा सा ठंडा पी लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पार्क है, उसमें जाके आते हैं और तो कुछ घूमने जैसी जगह। तो अभी अब लग रहा है इससे अच्छा वहीं सही था। बस ऐसा हुआ कि नेपाल आ गए हम ना। आंटी यहाँ का हमें बता रही है, नेपाल आके हम पी रहे हैं यहाँ पर गन्ने का जूस। तो यहाँ से घूमने की जगह पूछ रहे हैं भैया से, ये बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पूरे सफर में ना बाल बहुत ख़राब हो गया। बोखरी का तेल बोला ना, वो जाएंगे क्या, ये इनका घिरते ही जा रहा है। तो ये आ गए हम नेपाल के पार्क। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में रहती थी, वहाँ पर मामी और मैं पार्क जाते थे। नेपाल आके यहाँ पर हमारी फ़ोटो शूट चल रही है, भैया खींच रहे हैं। नेपाली क्वाइन कम है तो नेपाल के उसमें हम फ़ोटो खींच रहे हैं। ये है, जबकि सबकी फ़ोटो ये लेता है, लेकिन आज इनकी फ़ोटो ये ले रहे हैं। यहाँ पर हम खा रहे हैं नेपाल के मोमो जो है हुसन रात घूमती। एक प्लेट तो यहाँ पर हम खाएंगे नेपाली मोमो। और कुछ घूमने लायक नहीं है आसपास में? घूमने के लायक इस जगह पे यही है। और यहाँ से आगे जाके जैसे वहाँ पे चिड़ियाघर भी होता है, पूरा जंगल है वहाँ पे ऐसे। वापस से आ गए हम खटीमा, क्योंकि मेरा फ़ोन सही करना हो रहा था, सही हो भी गया है। अपना फ़ोन सही करने के लिए फिर बुलाया। अभी देखो यहाँ पर कस्टमर वगैरह है। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम खटीमा की मार्केट में। मेरा हो गया फ़ोन सही। फ़ोन सही होने के बाद हम चले गए हैं खटीमा की मार्केट। बोलते कि यहाँ शॉपिंग अच्छी होती है। कहाँ यहाँ पहुँच गए हैं मेले में खटीमा में। हमें कुछ कपड़े वगैरह तो मिले नहीं और हम यहाँ मेला देखने, रास्ते में मेला दिखा तो मेला देखने आ गए हैं। तो यहाँ की कुछ मार्केट दिखा देते हैं आपको। तो रामलीला के शुभ अवसर पर क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम खाने लग गए हैं सॉफ्टी। सॉफ्टी जो मेरी सबसे फेवरेट है। तो गाइस अभी टनकपुर पहुँच गए। टनकपुर में भी मेला लगा हुआ है, देख सकते हो। दोस्तों अभी हमने पेट पूजा कर लिया, उसके बाद पहुँच गए हम रामलीला देखने के लिए। टनकपुर की रामलीला देखने के लिए निकल गए हैं। फिर एक बोतल पानी वोटल ले लिया है हमने। सेल वगैरह लगी हुई है तो हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ लेते हैं। कछुआ न बिच्छू ऊपर से दिखा डिजाइन क्या लेते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। यहाँ से मैंने ले लिया इमली, बढ़िया है देख, अच्छी रुकी है। ये है अनारदाना। तो गाइस ये देख सकते हो भैया का मित्र, परम मित्र। तो गाइस यहाँ पर भैया रामलीला।